नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीओके में रह रहे भारतीयों के अधिकार खत्म करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया, बोले वो भारत का है हिस्सा। बड़ी खबर निकल के आ रही है पीओके को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मचा हड़कंप। दूसरी बड़ी अपडेट, गलवान संघर्ष में कितना हुआ था नुकसान। सरकार से सुप्रीम कोर्ट सरकार से मांगा ब्यौरा, सुप्रीम कोर्ट का इनकार, क्या है पूरा मामला। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहाँ काबुल में रूसी दूतावास के बाहर फिदायीन हमलावर ने खुद को उड़ाया। मरने वालों में रूस के दो राजनयिक भी। 2016 में भी यहां हुआ था ब्लास्ट, आखिर क्यों। तालिबान के लिए चुनौती बन गया है, रूस के लिए चुनौती बन गया तालिबान। इस बीच अगली अपडेट, जहां बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, तालिबान के आरोपों पर बिफर गया पाकिस्तान, बोला ये संबंधों के लिए अच्छी नहीं होगी। आखिर क्या कुछ तालिबान और पाकिस्तान के बीच है कड़वाहट। वहीं ताइवान में घुसे चीन के कई ड्रोन ने फेंके खाने के पैकेट और लेटर, मजाक उड़ा कर लिखा तुम लोग खाने का खर्च नहीं उठा सकते। तो एक एक करके बताएंगे। जहां विकिपीडिया में आईटी मंत्रालय ने भेजा समन, अर्शदीप सिंह को बता दिया था खालिस्तानी। उच्च स्तरीय समिति करेगी पूछताछ, पाकिस्तान से हुआ पूरा खेला। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहां मदरसों में बच्चों को आतंकी बनाता था मौलवी, पाकिस्तान में बैठे आकाओं को देता था जानकारी, असम में मदरसे पर जहां खुलासा। इस बीच ऋषि सुनक को हरा कर लीज ट्रंस बनी ब्रिटेन के पीएम, लेंगी बोरिस जॉनसन की जगह। तो ये भी बताएंगे सब कुछ खबरें के करके। जहां पाकिस्तान के हालात बद से बदतर, इतिहास में जलवायु त्रासदी से जूझ रहा पाकिस्तान, गिलगित बल्टिस्तान में भारी तबाही। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही पीओके में रह रहे भारतीयों के अधिकार खत्म करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट बोला वो भारत का ही है हिस्सा। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे भारतीयों के अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिनमें मांग की गई है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की 24 खाली निर्वाचन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों के अधिकार या तो निलंबित किए जाएं या उन्हें समाप्त कर दिए जाएं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया, साथ ही याचिका को भी खारिज कर दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे भारतीयों के अधिकारों को चुनौती देने वाली ये याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस हिस्से का जिक्र किया जा रहा है असल में वो हिस्सा भारत का है, कोर्ट इस पर कोई दखल नहीं दे सकता, ये पूरी तरीके से नीतिगत मामला है। आपको बता दें पाकिस्तान की ओर से पीओके में कुछ संवैधानिक बदलाव करने की तैयारी भी कर रहा है। उनकी ओर से इन बदलावों के जरिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे लोगों को अपना अधिकार जताने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि पाकिस्तान की ओर से पीओके के संवैधानिक स्थिति बदलने के लिए किया गया और ये 24वां प्रयास है। अगर ये संशोधन पूरा कर लिया गया तो इसके बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र की सभी वित्तीय और कानूनी शक्तियां पाकिस्तान की सरकार के हाथों में आ सकती हैं। ऐसे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे लोगों के लिए परेशानी और बढ़ेगी और वे पाकिस्तान के शोषण का शिकार भी होंगे। तो इसको देखते ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, विश्व इतिहास में सबसे बड़ी जलवायु त्रासदी से जूझ रहा पाकिस्तान, गिलगित बल्टिस्तान में भारी तबाही। दरअसल आपको बता दें बड़ी खबर, जहां न्यूज़ और पहली बैठक बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान संघीय योजना मंत्री एहसान इकबाल ने शनिवार को कहा है कि पाकिस्तान अब इस समय दुनिया के सबसे बड़ी जलवायु त्रासदी से जूझ रहा है। इस साल देश के उन क्षेत्रों में मानसून प्रभावित हुआ जहां आम तौर पर अधिक बारिश नहीं होती है। जिन क्षेत्रों में हर साल भारी वर्षा होती है उन क्षेत्रों को इस बार मानसून ने बख्श दिया। समय टीवी की रिपोर्ट के अनुसार मंत्री के इस बात पर जोर देते हुए पाकिस्तान ने 30 साल के औसत की तुलना में इस साल की अधिक बारिश हुई है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई है। मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा सामना की गई आपदा के पैमाने की तुलना अमेरिका में तूफान कटरीना से हुई तबाही से की जा सकती है, जिसने प्राकृतिक आपदा के सामने दुनिया की महाशक्ति को असहाय बना दिया। उन्होंने कहा है कि देश साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है।
अगली और अपडेट, ऋषि सुनक को हरा कर लीज ट्रंस बने ब्रिटेन की पीएम, लेंगी बोरिस जॉनसन की जगह। दरअसल दोस्तों ब्रिटेन के विदेश सचिव लीज ट्रंस नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगी, वो बोरिस जॉनसन की जगह भी लेंगी। आपको बता दें कड़े मुकाबले में उन्होंने इससे प्रतिबंधी सुनक जो है ऋषि सुनक को हराया है। पहले 5 राउंड के मुकाबले में ऋषि सुनक को भारी बढ़त हासिल हुई थी, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को अंतिम वोटिंग के दौरान लीज ट्रंस ने जीत हासिल कर ली। लीज ट्रंस को 81,326 वोट मिले, वहीं ऋषि सुनक को 60,399 वोट हासिल हुए। चुनाव के दौरान कुल 172 वोट डाले गए थे, जिनमें 654 वोट रिजेक्ट हो गए हैं। इस चुनाव में प्रधानमंत्री पूर्व बोरिस जॉनसन ने खुलकर लीज ट्रंस का समर्थन किया था। उन्होंने पार्टी के सदस्य और सांसदों से लीज ट्रंस के लिए वोट भी मांगे थे। अब 7 सितंबर 2022 को लीज ट्रंस बतौर प्रधानमंत्री ब्रिटिश संसद में उपस्थित होंगी। भारतीय समय अनुसार शाम पाँच बजे सर ग्राहम ब्रैंडी में विजेता की घोषणा की गई थी कल। अगली एक और अपडेट निकल के आई, नेपाल में लव जिहाद, बढ़ती मुस्लिम आबादी और नेपाली लड़कियों से निकाह के खेल में दिल्ली कनेक्शन, तस्कर गिरोह भारतीय सीमा पे खतरा। दरअसल नेपाल में बढ़ रही मुस्लिम आबादी और इबादत गाहों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान अब बड़ी खबर निकल गई, वहाँ लव जिहाद जैसी घटनाओं के प्रमाण भी मिले हैं। स्थानीय नेपाली लड़कियों से झूठ बोलकर प्यार के जाल में फंसा कर निकाह करने का भी खेल चल रहा है। इसी के साथ भारत नेपाल की सीमा का प्रयोग तस्करी और अन्य अपराधों में भी किया जा रहा है। जब इसमें अपराधों से संबंधित कुछ जानकारियां जुटाई गई तो आंकड़े निकले। जून 2022 में रूपनदेही जिले की सीना लामा नाम की एक युवती ने केस दर्ज करवाया था। कपिलवस्तु जिले में दर्ज केस में सनाउल्ला नाम के व्यक्ति पर झूठ बोलकर निकाह करने का मामला था। सीना लीना ने नेपाली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि लव जिहाद का पूरा केस जो है वो चल रहा है, तो अब नेपाल भी इस चीज़ से परेशान होने लगा है। अगले को अपडेट, काबुल में रूस दूतावास के बाहर फिदायीन हमलावर ने खुद को उड़ाया। मरने वालों में रूस के दो राजनयिक भी, 2016 में यहाँ हुआ था भयंकर ब्लास्ट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सोमवार को आत्मघाती बम धमाके से दहल उठा। ये धमाका रूस के दूतावास के बाहर हुआ है। धमाके में रूस के दो राजनयिकों की मौत हुई है। हालांकि कुछ मौतों को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग नंबर बताए जा रहे हैं, कुछ तो ये संख्या 25 तो कुछ में 20 बताई गई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक संदिग्ध रूसी दूतावास के बाहर घूम रहा था, गेट पर सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, जब वह नहीं रुका तो उस पर फायरिंग कर दी गई, इससे वो जख्मी हो गया, बावजूद उसने खुद को उड़ा लिया। जब यह धमाका हुआ कई अफगानी नागरिक भी रूस दूतावास में वीजा कार्य के लिए मौजूद थे। काबुल पुलिस के प्रमुख खालिद जारदान का कहना है कि हमलावर भीड़ के बीच में घुसकर आत्मघाती हमला करने की फिराक में था, यदि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो जान माल का भारी क्षति हो सकती थी। खबर लिखे जाने तक ये हमलावरों की पहचान सामने नहीं आई थी। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है दोस्तों बड़ी खबर, जहां तालिबान के आरोपों पर बिखर गया पूरी तरीके से पाकिस्तान, बोला इस संबंधों के लिए अच्छी बात नहीं है। अफगानिस्तान में जब पाक तालिबान कब्जा कर रहा था तब अगर कोई देश सबसे ज़्यादा खुश था तो वो पाकिस्तान ही था। हालांकि अब पाकिस्तान और तालिबान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, यानी ऑल इज़ नॉट वेल, और यही कारण है कि अब पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से तिल मिलाया हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान अब पाक के इशारों पर नहीं चल रहा। तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे रहा है, तब भी बिफर गया पाकिस्तान। उसने कहा कि ऐसे आरोप संबंधों के लिए सही साबित नहीं होंगे। तालिबान ने कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका के ड्रोन को एयर स्पेस उपलब्ध करवा रहा है। इस्लामाबाद ने तालिबान से कहा है कि ऐसे आरोप द्विपक्षीय संबंधों को ख़राब कर देंगे, जबकि तालिबान ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस दिया था। एक और अपडेट, तालिबान में घुसे चीन के कई ड्रोन ने फेंके खाने के पैकेट और लेटर, मजाक उड़ाया, बोले तुम लोग खाने का खर्च नहीं उठा सकते। दरअसल
ताइवान द्वारा ड्रोन पर गोलीबारी करने के बाद चीन ने अपनी हरकतें और तेज कर दी। ताइवान की सीमा पर चीन ने सिविलियन ड्रोन से खाने के पैकेट को गिराकर वहां के सैनिकों का मजाक उड़ाया। एक दिन पहले ही ताइवान के सैनिकों ने एंट्री ड्रोन गन से ड्रिल किया था। यह अभ्यास चीन के ड्रोन को जवाब देने के लिए किया गया था, लेकिन चीन ने ड्रोन से घुसपैठ कर फिर से ताइवान को भड़का दिया। ड्रोन से हो रहे घुसपैठ का जवाब देने के लिए ताइवान ने 45 सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी कर ली, लेकिन चीन ने इसका मजाक बना दिया। एक बार फिर ड्रोन से घुसपैठ कर दिखाने की कोशिश की। हथियारी की रेस में चीन ने उसका कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि चीन ने न सिर्फ ड्रोन से फिर घुसपैठ की, बल्कि ताइवान की सीमा के अंदर घुसकर ड्रोन से खाने के पैकेट गिराए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से भले ही चूक गए हों ऋषि सुनक, लेकिन लंदन की प्रॉपर्टी पे भारतीयों का ही दबदबा। नया घर खरीदने में अंग्रेज को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन में के प्रधानमंत्री चुनाव में भले ही लिज ट्रंस की बाजी मारने में भारतीय मूल के ऋषि सुनक पीएम बनने से चूक गए हों, लेकिन ब्रिटेन की राजधानी लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने में भारतीय अंग्रेजों से भी आगे हैं। वहाँ भारतीयों के पास सबसे अधिक संपत्ति है और इस भारतीयों में कई पीढ़ियों से यूके में रह रहे लोग, एनआरआई, अन्य जगहों पर हमले के निवेशक, एजुकेशन के लिए यूके जाने वाले स्टूडेंट और परिवार शामिल हैं। भारतीयों के बाद लंदन में अंग्रेज और पाकिस्तानी सबसे अधिक प्रॉपर्टी मालिक हैं। लंदन बेस्ड रेडियोलाइजेशन डेवलपर ने यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि वे भारतीय निवेशक लंदन और भारत दोनों जगहों पर रह रहे हैं। भारतीय लंदन में एक या फिर तीन बेडरूम वाले अपार्टमेंट के लिए 29 लगभग 2,90,000 से 4.5 लाख GGB भी खर्च करने को तैयार हैं। तो भारतीयों का दबदबा है। अगली कोर अपडेट, विकिपीडिया को आईटी मंत्रालय ने भेजा समन, अर्शदीप सिंह को बता दिया था खालिस्तानी। उच्च स्तरीय समिति करेगी पूछताछ, पाकिस्तान से हुआ है पूरा खेल। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 4 सितंबर को हुए मैच में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह से फील्डिंग के दौरान एक कैच छूट गया। इस मैच में भारत की हार हुई। इसके बाद फर्जी पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से अर्शदीप सिंह के खिलाफ जहर उगलने जा लगा। अब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मामले में सोमवार विकिपीडिया को समन किया। भारत में विकिपीडिया के एग्जीक्यूटिव को समन भेजते हुए पूछा गया कि आखिर उनकी साइट पर अर्शदीप सिंह के प्रोफाइल को खालिस्तानी संगठन से कैसे जोड़ दिया गया है। ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया प्लेटफॉर्म में भारत सरकार ने पूछा कि अर्शदीप सिंह के पेज से आखिर छेड़खानी कैसे हुई और उनकी पेज की एंट्री कुछ इस तरीके के एडिट कर दिया गया जिससे उनके खालिस्तानी कनेक्शन होने के दावे किए जाने लगे थे, और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में सरकार पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है। अगली एक और अपडेट, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंची बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, मांगा आशीर्वाद। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। वो सोमवार को दिल्ली पहुंच चुकी हैं और ये उनका जोरदार स्वागत किया गया। शेख हसीना का स्वागत करने के लिए कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। 2019 के बाद ये शेख हसीना का पहली भारत यात्रा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दिल्ली में हैं और इस दौरान वे प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी पहुंची। यहां उन्होंने मत्था टेक कर आशीर्वाद भी मांगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर एके अब्दुल मोमेन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भारत नहीं आए। अगली बार अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, मदरसों में बच्चों को आतंकी बनाता था मौलवी, पाकिस्तान में बैठे आकाओं को देता था जानकारी। दरअसल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। भारतीय सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ में के एक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया जो भारत से जुड़ी सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को दे रहा था। किश्तवाड़ और डोडा जिले में दम तोड़ चुके आतंकवाद को फिर से जीवित करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने यह साजिश रची थी। गिरफ्तार किए गए आतंकी पाकिस्तान के आतंकी संगठन कश्मीरी जाबाज फोर्सेस के लिए काम करता था। 22 साल का मौलवी अब्दुल वाहिद किश्तवाड़ और आसपास के मदरसों में बच्चों को लेक्चर देने जाता था, और कहा भी ये भी जा रहा है कि वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी भड़का कर आतंकी राह पर चलने का ज्ञान देता था। जानकारी के मुताबिक मौलवी वाहिद किश्तवाड़ में स्थित मदरसों में हर हफ्ते बच्चों को लेक्चर देने जाता था। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है, रूस के तेल गैस आपूर्ति बंद करने के बाद चेक गणराज्य में सड़कों पर उतरे लोग, यूरोपीय यूनियन ने दी चेतावनी। दरअसल पूरे यूरोप और दुनिया को रूस के यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए युद्ध
का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यूरोप में तो अर्थव्यवस्था रूस के तेल गैस सप्लाई पर ही आधारित है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के खिलाफ रूस ने यूरोप की तेल गैस आपूर्ति ठप कर दी। सर्दियों से पहले ही तेल गैस का भारी कीमत से यूरोप के देशों में लोगों की कमर टूट चुकी है। उन्होंने अपनी सरकार से राहत की मांग की है, लेकिन बगावती तेवर अपना लिए हैं। सड़कों पर उतरकर ये रूस से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में रविवार को गैस की ऊंची कीमतों के खिलाफ 70,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। इनमें ज़्यादातर दूर दराज के इलाकों से लोग आए हुए थे। इनका कहना है कि रूस पर प्रतिबंध राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं, लेकिन अब इनका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर। केंद्र सरकार बदलने जा रही, राजपथ का नाम अब होगा कर्तव्य पथ। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार जल्द ही एक बड़ा काम करने जा रही है। मोदी सरकार अब जल्द ही राजपथ का नाम बदलने जा रही है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होगा। शिक्षक दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने फैसला किया। जानकारी के अनुसार राज्य पथ को लेकर सेंट्रल विस्टा लॉन तक का नाम कर्तव्य पथ होगा। गौरतलब है कि कार्यक्रम के अनुसार 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लेकर राष्ट्रपति भवन की तरफ पूरी सड़क को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रधानमंत्री